वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाबा लिया। ठीक है सर, ये एक बंदा इन्होंने अरेस्ट किया है 8 दिन पहले पुलिस वालों ने, ठीक है। उसके बाद उसको थ्रेट किया, इन्होंने मारा है, पीटा है, तशद्दुद किया है। कल इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया 8 दिन के बाद, फिर ये जुडिशल हुआ है। कल ही ये जुडिशल हुआ है और आज उसकी डेड बॉडी रिसीव हुई है। डेड बॉडी जब रिसीव हुई है, बुरसा को पास लेकर ये लोग घर गए हैं कि आप लोग ये रिसीव कर लें डेड बॉडी। डेड बॉडी रिसीव करने के बाद भी पुलिस वहाँ से नहीं गई साइन करवाने के बाद। सर हम 2 घंटे, सर कोई रिप्लाई नहीं है, पुलिस वालों ने रास्ते बंद कर दिए थे। ये तो मैं दोबारा वापस आई हूँ, मैंने मूव करवाई है डेड बॉडी, ठीक है। मैं खुद गई हूँ इनके घर, मैं खुद इनके घर गई हूँ। घर जाकर मैंने पुलिस वालों को कहा है कि सर आपने डेड बॉडी रिसीव करवा दी है, आपकी ड्यूटी ख़त्म, आप जाएं, नहीं हम अपनी मौजूदगी में गुसल दिलवाएंगे, अपनी मौजूदगी में तदफीन करवाएंगे। ऐसा नहीं होता, अगर मैं ना जाती, मैं वहाँ शोर ना मचाती, मैं अपनी पावर यूज़ ना करती, तो वो तो इनको थ्रेट करके तदफीन करवा रहे थे ना। ठीक है वो उसने जुर्म किया होगा, इसकी सज़ा देने के लिए अदालतें मौजूद हैं, हम भी इस बात के हक में हैं कि जुर्म को सज़ा दी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस बंदा मार दे। सर इसमें तफ्तीशी का अभी मैं सिर्फ अभी सिर्फ इसी राउंड अबाउट चल रही हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक फाइल नहीं पढ़ी, लेकिन ये कंफर्म है कि FIR सुहेल अफजल साहब जो हमारे ड्यूटी जज साहब हैं उनकी मौजूदगी में ये मेडिकल बोर्ड बना है, उसमें इनका मेडिकल हुआ है। अभी भी सेशन जज साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि सुहेल अफजल साहब की मौजूदगी में दोबारा की जाएगी, लेकिन हमारा मकसद जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है। हमारा इस टाइम जो सबसे बड़ी हमारी डिमांड है वो ये है कि डेड बॉडी का दोबारा मेडिकल करवाया जाए, मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए, क्योंकि जो डेड बॉडी जेल से आती है, ठीक है, जो डेड बॉडी जेल से आती है उसकी जो है एक MO नहीं करता, उसका मेडिकल जो होता है वो MLC एक मेडिकल MO नहीं करता, उसके लिए बकायदा बोर्ड बैठता है। एक MO ने खड़े होकर बंदा डिक्लेयर कर दिया कि शुगर से मर गया, कि आप डेड बॉडी देखें कि आपको लगता है कि वो शुगर से मरा है? नाफ गुलाम रसूल सुमरा, इस मरहूम का भाई, मैं छोटा भाई हूँ, सुबह की नमाज अदा करके अपने घर में दाखिल हुआ हूँ। मैंने भाई को कहा जाके चाय के लिए दूध ले आ। भाई मेरा दूध लेने के लिए गया हुआ था खालिद गुज्जर के भाने तक, वहाँ गया है रास्ते ताकि पहुँचे कि यकमुश्त 2 अफराधों ने दरवाज़ा खटखटाया, नोक किया है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया है उन्होंने मेरे बालों से खैर, जब मेरे भाई ने दूर से देखा तो कहा है क्यों मार रहे हो मेरे भाई को, तो मेरे भाई को इस चीज़ से, इस मैच से एक इस जगह पे मारा, फिर दूसरा भी मारा है। मेरे सामने ये 2 लगे हैं सर पे, इस जगह पे आँख उसकी रेड थी, आँख उसकी रेड हो चुकी थी एक। सर जी हम आगे गए हैं, हमें जेल लेकर नहीं गए, हमें जेल लेकर नहीं गए, हमें एक प्राइवेट जगह पर लेके गए हैं। सर 2 मिनट यार, मुखातिब की वजह भाई सफर का, 1 मिनट, मैं गया हूँ, मुझे एक प्राइवेट जगह पे ले गए हैं। प्राइवेट जगह थी, एक कमरे में मुझे बंद किया है, एक कमरे में मेरे भाई को बंद किया है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, कोई और होता तो है ना, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरी 3 बजे रिहाई हुई है, मुझ पर भी इन्होंने FIR दे दी है। मेरा भाई रोने लग गया, मेरा भाई मारने लग गया, पीटने लग गया। भाई इसे कुछ ना कहो, इसे कुछ ना कहो। तो सर उसे एक कमरे में बंद किया, दूसरे कमरे में मुझे, फिर हम पर तशद्दुद की भरपार हुई है, तफ्तीशी सर, तफ्तीशी नंबर 1 अदनान कुरैशी साहिब, SHO थाना सिटी, सेकंड नज़ीर साहब ASI, थर्ड अयूब जूता, फोर्थ एक सिविल कपड़ों में और था जिसका नाम मुनीर था, काला टीना, वहां का एक रजाकार था इशफाक बिलोच, रमदानी बिलोच मुझे ठहर के कहता है। मेरा मुतालबा एक ही है, जिन जिन के मेरे नाम लिए हैं, मेरे भाई के कातिल हैं, मुझे हुकाम बाला से एक है,
मैं मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं एक तो अपने भाई की लाश को लेकर चलता रहूंगा, दूसरा यहां से लेकर मैंने सेशन जज की, जो मिनट मेरे साथ भी हुआ तशद्दुद, जो मिनट चुप कर, मेरे साथ भी तशद्दुद हुआ, मैं लेकर सेशन जज की कोठी के ऊपर आगे अपने चार भतीजे, एक मेरी भाभी, दो बहने, एक मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए दानी किधर है, दानी को लेके आए, इधर देखे, ये देखे, ये उसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ है, ये अब है, ये देखे, इन सब पर मैं पेट्रोल जलाकर डालकर अपने भाई की लाश पर पेट्रोल डालकर जला दूंगा। इंसाफ चाहिए अभी 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 चाहिए, बाद की इंक्वायरियों में तो ये फिर रिलीव हो जाएंगे, हटो, बाद की इंक्वायरियों में ये रिलीव हो जाएंगे। मेरा मुतालबा है मेरा विराट भाई को इंसाफ दिया जाए, मेरा छोटे बच्चों के साथ पुलिस वालों ने जुल्म किया, मुझे इंसाफ चाहिए। ये चीज ये 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 मुझे अभी इंसाफ, ये यहाँ की जो सूरत हाल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी हद तक यहाँ पे मुश्तिल भी हो चुके हैं, शराब पे एहतजाज है, लेकिन यहाँ पे पुलिस गर्दी जो है वो यहाँ पे सामने आ रही है। सुबह 7:30 बजे इसको जेल से लाए थे, मेरी वालदा की तबीयत खराब है, उन्होंने गोलियां खाई थी, मैं उस टाइम वही था, लाश के साथ कोई नहीं था, अस्पताल वालों ने भी पुलिस वालों को कहा भाई इनके वारसों को बुलाओ, वो चुप कर बैठे रहे थे। उसके बाद जी फौज भी आई थी, पुलिस भी आई थी, मैं घर से अपनी अमशीरा को लेने गया था, छोटी को, कौन से हॉस्पिटल का बात, ये लिया सरकारी एमरजेंसी, सुबह 7:30 बजे का बात, ये उस टाइम को डॉक्टर 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 नर्सें थी जी, जी वहाँ से मुझे बकाया मैं चला गया था अपनी अमशीरा और को लेने घर से। पुलिस नहीं थी, पुलिस सिर्फ जेल से 3 बंदे आए हुए थे साथ, पुलिस तो वहाँ पे सबके साथ नरम सलूक नहीं कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी, और सब पुलिस वाले सब जो आए थे इंसानियत के नाते सबको डरा के भगा रही थी, और जो भी आता था सबको भगा देते थे साइडों पे, ठीक है। लाश जब पड़ी थी, जिधर लाश पड़ी थी उधर सिर्फ जो वारसान है वो ही खड़े थे, बाकी जो आवाम आती थी सबको इधर से पकड़ के भगा देते। रोड कितनी देर बुला, ये तकरीबन ये 2 घंटे हो गए, 2 घंटों पे ये रोड पे ही मैयत है, 2 घंटे। ये पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इसको दफना दो ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए, हमारे गले कोई मामला ना पड़े, जबकि इन्होंने जेल में मार दिया है बंदा हमारा तशद्दुद की वजह से, और तशद्दुद की वजह से मारा गया है, पुलिस ने मारा है, इसकी कातिल पुलिस है, हमारे जो मुलजिम है वो पुलिस पकड़े, अरेस्ट करे, FIR की कापी दे, हम फिर दफनाएंगे, वरना मैं ये जेल पे, जो हमारे मुनसफान हैं, जो अवामी नुमाइंदगान हैं, वो जो है बड़ी बड़ी रैलियाँ लेके यहाँ पे घूमते हैं, सर वो नाम के ही घूमते हैं, सर उनका नाम ही है, अभी तक तो इधर कोई ऐसा शख्स नहीं पहुंचा कि कोई ऐसा शख्स पहुंचा आवामी नुमाइंदा जो आवाम की खिदमत के लिए, यही समझे कि अंदर की बारगेनिंग, जी जी यहाँ पे बारगेनिंग के मामले ही हो, सर यहाँ जो कितना टाइम कितना गुजर चुका है, यहाँ जो निज़ाम है ना, यहाँ अगर हमारे किसी MPA की कोई रैली हो ना, यहाँ रोड इधर से लेके सदर बाजार चौक तक ब्लॉक रहेगा। अभी क्या मुतालबा किया, अभी एक बच्चे किसी की लाश है ना, किसी माँ का लाल पड़ा है ना इधर, कोई किसी के लिए नहीं निकल रहा, ये वो लोग नहीं है जिनको एहसास है, यहाँ एहसास दफन हो चुके हैं, ये हमारी मुल्क की ऐसी अवाम है इस वक्त, मैं आपको बताऊं कि इधर ये निज़ाम बन चुका है कि आज इसका बच्चा ना कल मेरा बच्चा होगा, लेकिन हम बाहर नहीं निकल रहे, अब ये सब लोग हम खड़े हैं, वही लोग खड़े हैं जिनको एहसास है, जो वो जो अमीरों के बच्चे वो कारों में जा रहे हैं आगे पीछे जा रहे हैं, कोई नहीं खड़ा हो रहा, आज ये है कल मैं आऊँगा, कल मैं आऊँगा कल वो होगा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, हमारे हुक्मरान सो चुके हैं और हमारे ज़मीर भी सो चुके हैं। अच्छा, बस मैं मैयत को शिफ्ट किया गया है, अब यहाँ पे कितना गया ना टाइम यहाँ पे, सर यहाँ अब ये 2 घंटे होने वाले हैं, तीसरी जगह पे आ चुके हैं, पहले नहर से परली तरफ थे, फिर सेशन जज की जो कोठी है उधर उधर खड़े हुए, अब इधर आ चुके हैं, कौन सी आवाम है, कोई भी नहीं, सिर्फ वही है जिनको एहसास है, एडमिनिस्ट्रेटर कोई यहाँ पे आया हो, कोई पुलिस, सर कोई भी नहीं, सर सारे सिविल वर्दी में आए हुए, हम तो खुद नहीं जानते सर उन्हें, पुलिस वाले हमें तो सिर्फ इतना पता है किसी का बच्चा यहाँ पड़े, हम तो नहीं जानते ये पुलिस वाले या प्राइवेट है, सिविल वर्दी में आए हुए हैं, और जब भी आते हैं वारसान को डरा धमका के चल इसको ले जाओ उठा ले जाओ, नहीं तो फिर हम अपना एक्शन, हमारा ये मुतालबा है जो इसके कातिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और FIR दे के, FIR
कातिल पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। ये बिल्कुल वादे जब वो बता रहे हैं कि एक बंदा उनके साथ, वो कहते हैं कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ उनका, तो उनकी बात मानी जाए जो उस वक्त रूम में उनके साथ थे, ठीक है ना। वो बंदा जब कह रहे कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि फलां बंदे ने मारे, तो पुलिस को इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए, जाके गिरफ्तार करना चाहिए उनको, ठीक है ना। ये कत्ल है, कोई छोटा सा मामला नहीं है। अगर आज हम चुप कर गए, आज उनके साथ हुई है, कल हमारे साथ हो सकती है, कल तीसरे के साथ हो सकती है। ये एप्लीकेशन दी उन्होंने, एप्लीकेशन मतलब मामला जो है रफा दफा करने के लिए, ये मामला रफा दफा करने के लिए झूठी सी एक एप्लीकेशन दिलवाई है उन्होंने कि ठीक है आप इसको दफन कर दें, ताकि ये दफन हो जाएगा और ये फौरन खारिज कर देंगे। ये तो पुलिस वालों का मामला चलते हैं, ये चोर बाजारी चलती है, ये किसको नहीं पता, ये हम जानते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन हम जब तक FIR की कापी नहीं देंगे, मुलजिम हवालात में नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये पोस्टमार्टम हुआ है, ये पुलिस ने करवाया है, वहाँ पर कोई मालिक कोई वारसन था जब इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया है इस लाश का, लावारस की तरह इन्होंने करवाया है।